शहर के समीप ग्राम गिंदवानिया में हनुमान मंदिर के समीप करीब 20 बीघा खेत में अचानक आग लग गई। आग इतनी फैली कि ग्रामीणों को आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इधर ग्रामीणों ने बढ़ती हुई आग को देखते हुए नगरपालिका फायर ब्रिगेड को फोन किया, परंतु कई नगरपालिका अधिकारियों के मोबाइल तो नजरअंदाज ही मिले। हालांकि जैसे तैसे कर फायर ब्रिगेड के लिए सूचना की गई, जिसके करीब 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड गिंदवानिया पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान आग जिस तरह अपना रूप दिखा रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि आग का यही रूप रहा तो समीप के ग्राम परमार खेड़ी को भी आग अपनी चपेट में ले लेगी। हालांकि यह तो गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। यहाँ पे जैसे उधर खेत के नीचे एक आग लग रही थी, तो पापा ने डायरेक्ट फोन लगा मुकेश भैया को कि यहाँ आग लगी, और फिर नागदा फोन लगा फायर ब्रिगेड को और ये आई और यहाँ पे आग बुझाई गई। नागदा अपने फायर ब्रिगेड को फोन लगा था, किस नंबर पर लगा, नंबर बता सकते हैं आप? वो शायद इन लोग ने लगाया था, मैं खुद नागदा, मेरा मकान का काम चल रहा था, मैं सीमेंट लेने गया था, मैं तो गाड़ी के साथ में आया नागदा से भी। किसके खेत में आग लगी, कितने बीघा में लगी? ये कम से कम हो गया 15-20 बीघा खेत है, 20 बीघे खांपे जल गए और शुक्ला भी जला इसमें 2-3 जने का। अरे वो तो समय पे सूचना कर दी संजीव भाई के पापा ने। मैं भी नागदा गया था, मकान का काम चल रहा है, टायर से ले रहा था, जैसे ही पसंद करी तो वहाँ पे मैं लेने लगा, इन्होंने फोन लगा दिया, अगर ऊपर से आग लगी यार हमारे खेत। मैंने भाई भतीजों पर फोन लगाया, ये भी इधर से आ गए नहीं, आप कुआ है तो इन्होंने आते से वो बाल्टी भर भर के इधर छीट दिए। पापा ने बहुत सारी मेहनत करी, पूरा टैंक खाली हो गया। ये देखिए 15-20 छोरे पूरे घर वाले आग बुझाने में लग गए थे वहाँ पे, वो तो इनके पापा ने, वो छोरे ने आ गए तो बुझ गए नहीं, तो ये तो सब गायन भेजने ये घर और ज्यादा उसमें ज्यादा नुकसान। और भाई ब्रिगेड बहुत समय लग गया, इतना समय बहुत ज्यादा होता है, इतने में तो सब जाएंगे गाँव वाले एक्टिवेट थे, नहीं तो क्या अब तक तो सब खत्म था। ठीक है।